अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मज़े से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो फिल्म सिम गेमिंग। आज की वीडियो में हमें ज्वाइन किया है तो बात पुरानी हो गई है, अब कुछ नया करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फार्मिंग फार्मिंग सिम्युलेटर 22 के मल्टीप्लेयर गेम प्लेस, जो कि सीरीज़ चल रही है उसका एपिसोड नंबर आ गया हमारा 15। विद दिस एपिसोड आज की वीडियो में हम क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता है, आप भी देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में हम कॉटन करने वाले हैं हार्वेस्ट और साथ कुछ और नए काम भी करेंगे। तो स्टिक टू द एंड, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आसिम साहब का चैनल जरूर चेक करिएगा। देखते हैं अगले वीडियो में होता है आगे क्या क्या। चलें आसिम भाई। जी तो गाइस, आज के गेम प्ले में हमारा जो सबसे मेन टास्क है वो है, दो बेसिकली मेन टास्क हैं जिलानी भाई। एक तो हमने कॉटन जो है जी वो जी करनी है एक हार्वेस्ट, कॉटन और सेकंड। दूसरे नंबर पे हमने जो है वो अपने ग्रेप्स की ट्रिमिंग करनी है। सो दोनों ही काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और बड़े टास्क हैं, तो आप चूज़ करें कि पहले कौन सा काम करें। मेरे ख्याल में पहले कॉटन हार्वेस्ट पे चलते हैं। ओके चलो हाँ आगे। हाँ बाकी बाद में भाई दो हार्वेस्टर्स हैं क्योंकि ले चुके। आपको भी बताइए कि हाँ बिल्कुल रेडी खड़ी ग्रेट हैं दोनों। ग्रेट। एट आ शॉप और यहाँ पे यार यस पाँच शॉप छः पे, और हार्वेस्टर लेनी थी ना। चीज शॉप पे डेरी पे, तो वो उसने वहीं पे पार्क कर दिया, मैंने चलो वहीं जी, केस रिटर्न की हमारे किया। पास आ चुकी है हार्वेस्टर्स कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए, और हमारे पास केस का ट्रैक्टर भी मुझे नज़र आ रहा है ट्रैक्स के साथ। जी मैंने अपना 9RX जो है वो चेंज कर लिया इसके साथ। हाँ, ओए बड़ा अच्छा काम किया ओए, यार। मैं जो है ना वो वैसे ही करना है, मैंने ट्रैक्टर चेंज करते रहना है ताकि गेम प्ले में मतलब हमें, मेरे लिए भी कुछ एक फन रहे ठीक है ठीक है ऑलवेज, ठीक है, और गुड वन। दो आई जो है वो खा ही ना जाए एक ही ट्रैक्टर देख लें। अंडरस्टैंड योर कंसर्न। अच्छा है तो गाइज ये देखिए, ये है हमारी हार्वेस्टर जो कि बनी है स्पेशल हार्वेस्टिंग, कपास की हार्वेस्टिंग, या उसको कह लें आप, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसको क्या कहते हैं, नरमे की हार्वेस्टर नरमा कॉटन। कपास कॉटन, पता नहीं क्यों कॉटन मेरे माइंड से स्लिप कर जाता है ऑलवेज। तो ये कॉटन हार्वेस्टर है जनाब, देखिएगा कैसे इससे हार्वेस्टिंग होती है। हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है कैसे कॉटन हार्वेस्टिंग होती है, एक एक बंदा एक एक रुई को पकड़ रहा होता है चोनिया। तो इतने भाई यह काम होता है क्योंकि इन्होंने हज़ारा एकड़ होंगे ने, तो उत्थे इस तरह नहीं सर सकता। इतनी चोनियां उनको लभेंगी नहीं हाँ नहीं लगेंगी ऐसा ही है। अच्छा और ये एक साइड पे कमर साहब खड़े यार, हैं, मैं कमर साहब आपके साथ ही स्टार्ट करूँगा सेकंड रो में। ओ नहीं, आप मेरे साथ नहीं हो सकते। मुझे तो यहाँ पे वो काटने वाला ट्राला नहीं मिल रहा यार, आसम ने मुझे कह तो दिया है। क्या नहीं मिल रहा? शॉप के ऊपर पड़ा है। अच्छा ओ शॉप के अच्छा ऊपर। अच्छा हाँ आसिम है यार, इसमें, मुझे लगा वो कमर है इसमें, बस पहले फिर तो बता ठीक रहे थे है। यार। यार साथ ही करते हैं स्टार्ट, तो हाँ अनफोल्ड कर लें इसको। तो लेट मी अनफोल्ड, थैंक यू। तो गाइस इसको गाइस पहले करना ये होता है है, कर लें आप कर कपास वाली लें हार्वेस्टर। हाँ, ये है गाइस कपास वाली हार्वेस्टर, और इसको हमने, मैंने केस की चूज़ की है क्योंकि न्यू हॉलैंड जो जॉनडियर की है उसकी बेल थोड़ी सी छोटी होती है, वो ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है। ये एक ही दफ़ा बड़ी सी बेल जो है वो निकाल के बाहर करती है। इसकी चौरस बेल होती है, उसकी जो है स्क्वेयर बेल राउंड बेल्स होती हैं, तो वैसे भी वो रुड़कती फिरती होती हैं फील्ड में, अगर फील्ड में चले काबूज जाओ नहीं तो। आदियाँ तो इसको कहते हैं जी पहले अनफोल्ड, रेडी टू हार्वेस्ट करने के लिए पहले इसको अनफोल्ड करना होता है ताकि ये बेल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाए। ये देखिए क्योंकि इसमें बड़ी सारी बेल आनी होती है, तो सारा जो है ना इकट्ठा करके उसको कॉटन को, एक बेल बनती बड़ी सी। चलें जी, वी आर स्टार्टिंग आवर हार्वेस्ट ऑफ सीजन 2000 एंड अभी तो हाँ भैया, 21 मुझे ही बताओ है। आप किस फील्ड में हो आप लोग? 37 में यार फील्ड नंबर 37। ये देखें गाइस, ये अच्छा, हो रहा मेरे लिए है क्या काम? हमारी हार्वेस्टिंग कॉटन की। आसिम साहब एक लाइन को तोड़ मरोड़ के जा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे, और आप पीछे बेच रहा तो यार नज़र कोई आ रहा है बंदा, ए चौधरी कमर है आइडिया गा नहीं जी, हो रहा ना थोड़ा आज सा? रहा बंदा है, मैं दूरी टाटू बजाई फिरता ओह शिट, है। ये उम्मीद मुझे सी तो सानू बंद इंजी करा होना है। दो यार, कम बंद। एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ ठीक है, सही हो आप जाने के लिए। हाँ मैं क्या करूँ अभी? फाइव से मूव अच्छा करते ऐसे हैं। मुझे बताओ कि रियल लाइफ में तो हम जो इनकी इसकी जो बाकी छड़ियां हैं, जो बचा कुचा हिसाब किताब है, इसको तो हम आग लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसमें भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा चीनी का कोई यूज़ नहीं है। ओए होए होए अफसोस। तो गाइस जैसे कि आप सुन रहे हैं, अभी हमने इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हमारे जो ग्रेप्स हैं, जो कि हमारे अंगूरों की बेलें हैं, उनकी ट्रिमिंग करनी है, जो उनके खुश्क पत्ते हैं उनको काटना है फ्रेश वाले, ताकि हमें मिले और नए नए अंगूर भी मिले जिसे कमर साहब हाथ साफ कर सके। वैसे दोनों पता है फेरे वाले पैसे दे, वो फिर भी नहीं देता है ना।
चले गाइस, मेरे अब स्विच हो चुकी है जॉब। मैं आ गया हूँ केस मैग्नम 400 पे और करने वाला हूँ कल्टीवेटिंग, जबकि कमर भाई चले गए हमारी हार्वेस्टर पे और वो करेंगे हम हार्वेस्टिंग कॉटन की। ये क्योंकि ट्रैक्स वाला ट्रैक्टर है तो इससे हमारी यील्ड जो है या ज़मीन की जो पैदावार में कमी नहीं आएगी, नेक्स्ट फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं करता उसके अपर लेयर का। हाँ, अगर इस ट्रैक्टर से कल्टीवेट करें ना तो यील्ड भी बहुत ज़्यादा आता है। अब ये भी सब चुकी है। ये मेरी हार्वेस्टर का पीछे वाला खाली डब्बा नहीं, उन्हें दस साइंटिस्ट बैठाए हुए हैं, उन्हें दस वो यहाँ बैठ कर खर्च कर रहे हैं कुछ, वो ज़मीन के अंदर गाड़े हुए साइंटिस्ट। हाँ आप ऐसा करें, एक गल दस, मेरे को बैग लेनी है चबला मार का, तो इतने तो ठंडी जगह खिलाने होंगी की मसला भाई। इतने तो आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। बंदा हो ही रहा है, एक तो है छोटे फर्टिलाइज पीस में, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर कितना 35 वो कहाँ है अब रोजर दार यार, पुल के दूसरी साइड पे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। अच्छा, वो तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। चलो ले जाते हैं। चलो गाइस, हमारी ये फील्ड हो चुकी है मुकम्मल और अभी तक हमने एक बेल भी अनलोड नहीं की। बदकिस्मती से, क्योंकि इसमें बड़ा स्लो होता है काम, थोड़ी थोड़ी तो रुई होती है आपको पता ही है, और इसको दबा दबा के कंप्रेस करके एक अच्छी सी तगड़ी सी बेल निकालते हैं। तो हम जा रहे हैं सेकंड फील्ड में, कमर साहब भी मेरे साथ हैं दूसरी हार्वेस्टर में और आसिम भाई इसमें कर रहे हैं अभी तक कल्टीवेटिंग इस फील्ड में। तो होप्स हो के उस फील्ड में हम कर पाए। उस फील्ड यार वो बड़ा ओहो डिंगा पिंगा फील्ड है। मैं भी हेल्पर ही हूँ। हम सब हेल्पर ऐसे ही हैं क्या होना दें। आसम एड्डा बड़ा ब्रिज है तो कमर इतनी बढ़ा के बह रहे। ओए ये साथ में ये जो सोटी थी लगी हुई ना, सोटी। चलिए गाइस, सेकंड फील्ड में हो रही हमारी हार्वेस्टिंग स्टार्ट और मैं इसको लगा रहा हूँ हेल्पर पे, क्योंकि हम जा रहे हैं साथ में हमारी जो बेल प्रोसेसिंग है ग्रेप्स की उसको करने के लिए। ओके आई एम हियर। वाओ क्या बात है यार, मजा आ गया है। हाँ चलो तो बेल ट्रिमिंग स्टार्ट होने वाली है गाइस, लेट मी सेट अप माय ट्रैक्टर एज वेल। और यहाँ पे मेरी और जलाइन देख के वो दोनों की आवाज़ें मिलके आ रही है। एनीवेज यहाँ पे हम लोग जो है वो बेल्स अपनी जो ग्रेप्स हैं इनकी ट्रिमिंग करने जा रहे हैं। और ट्रिमिंग क्या है और इसको क्यों करना ज़रूरी है, तो गाइस जब आप एक दफ़ा फसल ले लेते हैं अपने अंगूरों से तो जो बाकी बेल्स हो जाती हैं वो ऑटम के सीज़न में, टेक्निकली देखा जाए तो ये काम ऑटम के सीज़न में होता है, लेकिन क्योंकि हमने सीजन मूड ऑफ किए हुए हैं तो इसलिए हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद ये काम जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल्स जो है वो मर चुकी हैं, इनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जो भी प्रोडक्टिविटी मतलब ग्रीनरी जो है वो इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये मतलब कि ना ट्रिम डाउन कर देनी है हमने, लेकिन जो इनकी जड़ें हैं वो पीछे से ऐसे ही रहेंगी। जब दोबारा स्प्रिंग आएगा, बाहर का मौसम आएगा, तो ये यहीं से उग जाएंगी और इनके ऊपर दोबारा जो है वो अंकुर लग जाएंगे। चलें ठीक है, आया आप अपने ट्रैक्टर में और करते हैं इसको स्टार्ट। मेरे ख्याल में व्यूअर्स को आईडिया हो गया होगा क्या तल्ले के बोला। अगर स्प्रिंग का मसला तो मैं दो चार दुकान से ले आऊं, लाने कौन से बड़े वाले या छोटे वाले? ओ जरा हड़ा के पीछे नहीं लगा होता वो वाला, फिर हो जाएंगे ये। यार मैं ये अच्छा कर मिस नहीं करना हमने, क्योंकि फिर बाद में वहां पे ग्रेप्स लगेंगे नहीं तो सही है, मैंने कम हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहाँ कवर किया तो जी कभी क्या कहता है यार, कहता है तो अच्छी बात है, कम हार्वेस्ट करना पड़ेंगे। नहीं वैसे हार्वेस्ट कम करने ज़्यादा हो यार, ये बंदा एक लाइन में बस अगर चला जाए तो फिर ये वो तो लाइन कंप्लीट करनी पड़ती है। अच्छा लेटेंसी आ रही है तो वो ना गुजर जाता है इंप्लीमेंट आगे से, कोई 2 सेकंड बाद पीछे से गायब हो। हाँ पत्ते 2 सेकंड बाद गायब। नहीं मेरा अपडेट है वैसे। अच्छा आपके पिन कम आ रहा होगा, 100 प्लस ही है वैसे, 90-100 राउंड अबाउट ही है। अच्छा ये ब्लेड ऐसे हैं जैसे तारियां मार रही हैं बार बार। बड़ी गल है भाई।
उनजास मैंने कहते हाँ ने एक एक ही जैसी एनिमेशन हो रही है वो, जब डंडा सा आता है तो साइड से हो जाते हैं वहाँ एक डंडा छोड़ के दूसरे डंडे से होते हैं साइड पे देखो। हाँ मेरे भी है, एक छोटा डंडा है दरअसल बीच में। वो डंडा नहीं है वो तो अंगूर का तना है बिल्कुल। वो भी अंडा ही मेरे लिए। हाँ इस तरफ से हम अंडा का डंडा आ जाओ भी आ जाओ। जा ये मेरे ख्याल से हार्वेस्टर से थोड़ी बेहतर नहीं ड्राइव कर रहे हम लोग। ये आई थिंक इजी है, इसमें कोलिजन पॉइंट कम है। इजी बहुत। वो हार्वेस्टर का तो रखड़ ही बहुत है। आओ इसमें देखे मैं सबसे आगे हूँ, आइडिया कर लें दूसरे नंबर पे मैं हूँ, आप भी आइडिया कर लें। ओए अभी नहीं होगी, वो बड़ी स्लो स्लो चल रही है, चल चेक मेरी लेने दुकान करने में दे। दस मिनट लग गए। इस तरह की चीज़ें तो डेवलपर्स को खुद ऐड करनी चाहिए। मूड था वो भी नहीं मतलब इन्होंने, फिर भी इनको अकल नहीं मिली। चले चलो यार गाइस हम थोड़ा वापस बहुत आ गए छुट्टियाँ हैं भी शेयर कर लूँगा। हमारी कॉटन हार्वेस्टिंग पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो ये फुल हो जाए और हम इनको अनलोड करें, हमारी जो बेल्स और इसी फील्ड में ही फुल हो जाए, हमें अगले हैं फील्ड का रास्ता ना ना निकालना जाना पड़े। कमर साहब हमारा यहाँ आप लेके ट्रेजर आ लेकर रहे आएँ। हैं वो ही लेके आ रहे हैं। गुड। लो जी मेरी हार्वेस्टर को तो बेल आ गई है ओ यार मेरे तो काफ़ी पई फिर यानी आले। आपके हार्वेस्टर को आपके बेल आ हार्वेस्टर को गई? नहीं पेट दर्द करना नहीं शुरू मेरा पेट दर्द ही स्टार्ट हुआ है। लो जी इन दले 2 को महीने पे ने ये यार ये निकलनी कैसे। अच्छा अनलोड लो जी नीचे उतरो लाली पहले भाई ये फिर देख ले देखो। मैं देख रहा हूँ, ये देख लीजिए आसम वैसे साहब तो कर रहे हैं आपने मेरा अनलोड देखा अपनी होगा। बेल को, एन भी देख लीजिए आपने तो पता नहीं आनी कि नहीं आनी। ये हो रही है बेल अनलोड मैं केस हार्वेस्टर इतनी से, ट्रक रुकी है रुई ये की बेल, कपास की बेल या कॉटन की बेल। बहुत हैवी होती है बेल। कंप्रेस कर करके होती ना। आगे भाई वाह कमर इतनी तो है। देखो चुप चुप के उन्होंने आप तसल्ली से अपना काम करें, जब ये आने वाली होगी ना फिर मैं बता दूंगा। वाह ताड़ियां चलो ठीक है मैं जाना, मेरे पता लग गया है। चैलेंज स्टार्टेड। अभी अभी तो चैलेंज स्टार्ट हुआ यार मेरे लिए। और बस 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 ए आगे जे नहीं ओ शिट चलो मैं वापस आ इसने रहा हूँ। ऐसे शिट फिट करके आधा घंटा अभी गुजरा। कमर सेकंड भाई साहब ये स्ट्रगल क्या हो कर रहा रहे है, हैं बेल को ये अपलोड क्या हो करने रहा है। में, हो अपलोड गई कह रहा वो हूँ। तो, हो गई हाँ वो तो हो गई लोड, ताड़िया क्या बात है। ताड़िया तो गाइज आपने देखा अभी अभी हमारी एक ये कॉटन बेला बेल जो मेरी है है। लोड हो चुकी है हमारे ट्रेलर में, और हम कामयाब हो चुके हैं एक बेल लोड करने में। बल्कि क्या कमर साहब कामयाब हो चुके हैं फाइनली एक बेल लोड करने में। नहीं आपने सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल ये था व्यूवर्स की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल, ये उनको जाता जो क्रेडिट। आपने दिली दिन में तालियां बजाई है ना ये उसकी वजह से अंदर आई है, क्योंकि तो उसने बाहर ही रहना था अभी तक। तो तो फिर इसके लिए आपके कोई बंदा इम्प्लीमेंट आपको फिल करना चाहें, खाली करना चाहें, उसमें चाहे पेट्रोल डालें या उसके अंदर जो उसका फिल टाइप्स हैं उनको फिल करें। ओह ग्रेट यार मेरी हो चुकी है हार्वेस्टर हम फुल, और इसको करेंगे हम कहानी होगी अनलोड। प्रसिद्ध बेल। मैं इसको करूँगा अनलोड खाली जगह पे, ताकि इसमें गुम ना हो जाए हमारे पास के जो बेल क्या कहते हैं छड़ियाँ रे के अंदर। वो स्पीड पे करें सड़क पे करूँ? हाँ आ जाएं आप रिवर्स, ऐसा करें कमर आप रिवर्स करें, मैं आपके हाँ बिल्कुल ये भी हाँ जबरदस्त हाँ ओके मेरे लिए इजी हो आसम जाएगा आ जा बस। नहीं नहीं मेरे लिए इजी हो जाएगा ट्रक आसम ये देखो ट्रक से बेल निकलते ट्रैक्टर ये ट्रेलर में आने लगी है। से निकलते ट्रेलर में। हाँ ओए आसिम की स्पीड देखी है फ्लैश आसम ये तो काम खराब है ना क्यों मैंने नहीं देखना था चलो जी ये करेंगे हम इसको अनलोड हमारी बेल को। जमीन से तो टच नहीं होने देनी सही है ना। और फॉर दिस दिस सेड यू हैव टू डू अनलोड बेल बाय प्रेसिंग वाई। हमारी बेल अनलोड हो रही है, रुई की बेल, कितनी बड़ी बेल है, वाह क्या बात ये सब है। पहले क्यों नहीं देने ओए वो चेक करो आसिम ये कमर और मेरा देखो आइडिया, अब कमाल कमर कैसा रहा कमाल बहुत जबरदस्त मजा आ गया भाई फिर गार्डन गार्डन हो गया। और बेल अनलोड करने के बाद हम करते हैं इस हार्वेस्टिंग को हमारी को यहीं पे बंद।
जी तो गाइज यहाँ पे हमने ये स्पिनरी जो है वो परचेज कर ली है और एक और प्रोडक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज हो चुकी है। अब स्पिनरी के ऊपर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट सा बताता चलूँ कि ये स्पिनरी जो होती है, पिछली दफ़ा तो पिछली गेम्स में तो आपको पता था कि यहाँ पे सिंपली वूल वगैरह से लगती थी, लेकिन यहाँ पे अब हम फैब्रिक बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कपड़ा। तो अगर हम यहाँ पे वूल अनलोड करेंगे तो वूल से वूल वाला कपड़ा बनेगा, ठीक है, उसकी अलग प्राइस होगी। और अगर कॉटन अनलोड करेंगे तो कॉटन वाला कपड़ा बनेगा, उसकी अलग से जो है प्राइसिंग होगी। सो ये मतलब कि सारा सिंपल प्रोसेस है। और अब हमने जो भी कॉटन हार्वेस्ट किया है वो हम यहाँ ला के जो है वो यहाँ पे अनलोड करेंगे ताकि यहाँ पे कपड़ा बन सके, और फिर कपड़े को हम लोग जो है वो यहाँ से कलेक्ट करके बेचेंगे, और ऑब्वियसली उससे हमें कॉटन से भी ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। चलें गाइस, हम चलें इसको हमारी जो बेल्स उनको अनलोड करने के लिए स्पिनरी पे मैं भी हूँ जहाँ से हार्वेस्टर, लेकिन फैब्रिक मैं थोड़ी सी बनेगा। काटा नहीं। तुम इधर ही काम करो अपना, चलो। तुमने हर मेरे कोई साथ आने आ रहे वाला हैं है आसिम फैब्रिक साहब, मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं बनवाने। हमारे ट्रक के साथ। यहाँ पे कोई जगह विजिट कैसे करते हैं? स्पेस दबाओ उसके ऊपर क्लिक करके। हाँ विजिट, ओके। यार बड़ा कसम से आपके ट्रक की स्पीड है, ये तो स्पीड ही नहीं पकड़ रहा। विद देख लें, बेल के होने के बावजूद विद बेल इतनी स्पीड है। मैं पीछे ही रह गया, मैं फुल थ्रॉटल जो है वो दबाया हुआ है। ये तो ये शुक्र है मोटरसाइकिल ट्रक की गाड़ी पावर है वाले क्या? से, नहीं तो चढ़ना ही नहीं सी। नहीं तो मैं गाइस हैंडल हम कर पहुंच चुके लूंगा। हैं स्पिनरी पे और हमारी बेल्स हमारे साथ हैं, अरे कमर साहब हमारे स्पिनरी तो साथ बहुत हैं अच्छी भागते होती हुए। है। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे इसको अनलोड करना है आसिम भाई। शायद सेम्स यही लाइक दिस इज द होगा। प्लेस एंड इसको करें हम अभी अनलोड। चलें जी, दैट्स इनफ। ये बेल्स अनलोड हो रही हैं। गायब हो जाएंगे यहाँ पे यहाँ से। आसिम क्या हुआ, गई नहीं? हो गई अच्छा गॉन। ये यार बड़ी स्लोली स्लोली मतलब क्या ना वो हो रही होती है। अब वो जो हमें बेल जो डरा हम देते फूड हैं। में फीड मिक्स में डालते हैं ना, तो गाइज ओ यहाँ आसमान नहीं पे आ रहा। हमारी न्यू प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट शुरू होगी हो एक नई चुकी है। कड़ी, स्टार्ट हो चुकी है प्रोडक्शन चेंज की। और राइट गाइज, तो होपफुली आपको आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने जो है वो आज फिर से कोशिश की है आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ लेके आए, कुछ न्यू करें आप लोगों के लिए गेम प्ले में। और फार्मिंग रेगुलर तो जो है वो चलती रहती है, लेकिन साथ में मज़ा आता है जब हम कुछ न्यू करते हैं। तो आज के गेम प्ले में हम लोगों ने जो है वो ग्रेप्स की ट्रिमिंग की, और फिर पहली दफ़ा कॉटन हार्वेस्ट की, और कॉटन जो है वो डिलीवर भी की स्पिनरी के ऊपर, और फिर यहाँ पे फैब्रिक की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जलानी भाई का चैनल भी ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो जलानी भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा। यही गेम प्ले उनके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए लाजमी विजिट करें उनका चैनल। और भाई जो है वो स्टेडियम मील से भी गेम प्ले बनाते हैं, सो डू चेक आउट हिज चैनल। एंड हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक बाय यू एंड बाय। हैप्पी गेमिंग।